छोटी छोटी गैया छोटे छोटे का छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पां छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पां छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पां छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पां छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पां क्या खाए गैया क्या खाए बा क्या खाए मेरे मदन गोपाल क्या खाए गैया क्या खाए बा क्या खाए मेरे मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिएगा घास खाए गैया दूध पिएगा मदन खाए मेरे मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल कैसे चल गैया कैसे चल पाल कैसे चल मेरे मदन गोपाल कैसे चल गैया कैसे चल पाल कैसे चल मेरे मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे गोपाल तुम चले मेरे मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल क्या बोल मेरे मदन गोपाल क्या बोल गैया क्या बोल गोपाल क्या बोल मेरे मदन गोपाल कान्हा बोल गैया कृष्ण बोल गोपाल कान्हा बोल गैया कृष्ण बोल गोपाल राधे राधे बोल मेरे मदन गोपाल छोटी छोटी छोटे छोटे कभी राम बन गए कभी श्याम बन गए चले आना प्रभु चले सीता राम बन गए राज श्याम बन गए चले आना प्रभु चले आना चले आना प्रभु चले आना चले आना प्रभु चले आना छोटी छोटी छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गा छोटो सुनीर मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गा छोटे छोटे गा छोटे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भगवान गोचारण के लिए जा रहे हैं गऊओं को चराने के लिए बछड़ों को चराने के लिए तो भाई अब चराने जब जाएंगे तो इतना जल्दी तो पहुंचेंगे नहीं शाम तक पहुंचेंगे हैं तो इस समय की कथा को यहीं पे विराम देते हैं आगे आप लोग गोचारण लीला
को श्रवण करेंगे, गोवर्धन लीला को भी श्रवण करेंगे। इस समय की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद। Da 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 da
सरकार की जय, रस शरीर सिख ठाकुर भगवान की जय। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं सती अनुसुया द्रौपदी सत्यवती इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे ठाकुर जी के भुवन अवनी गाथा के स्वर लाभ प्राप्त करने का अष्टम दिवस है। उसका दूसरा सत्र है सायंकालीन सत्र। प्रातःकालीन सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं वन में, बछड़ों को चराने के लिए। छोटे से कन्हैया हैं ग्वाल वालों के साथ, बछड़ों के पीछे पीछे लठिया लिए हुए, काली कमली ओढ़े हुए, घुंघराली अलके कपोलों से लग रही हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए, मोर पंख धारण किए हुए बांसुरी को लिए हुए ठाकुर जी जा रहे हैं बड़े प्रेम से। भाई आपको नहीं सुनना तो पीछे बैठिए, काहे डिस्टर्ब करते हो रोज। जब कथा शुरू हो जाती है तब उसके पहले जितना बोलना हो बोल लो। कथा जब शुरू हो जाए तो नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। कोई मेरी कथा, मैं अपनी नहीं सुना रहा हूं, बात भगवान की बात चल रही है, उसी समय सारा काम याद आता है। हाँ, सारे काम, दीपक कहाँ है, ये कहाँ है, पानी कहाँ है, ये कहाँ, सब दुनिया के सारे काम जो है उसी समय याद आएंगे। ऐसे कोई चीज नहीं याद आता, ये भगवान की क्या बताऊं माया है। ये माया भजन करने ही नहीं देती। आप जब भगवान का भजन करने बैठेंगे तो एक दो दिन नहीं, वर्तमान समय की काम नहीं, 10 वर्ष पहले की जो बात है वो उसी समय याद आएगी। ऐसे तो उस दिन की भी बात नहीं याद आएगी अगर विचार करो तो, लेकिन भगवान का अगर काम होगा महाराज तो 10 वर्ष पहले कोई चीज हुई होगी ना, तो माला जब करने लगो, ध्यान करने लगो, उसी समय सारा काम याद आएगा। हाँ, सबका सोल्यूशन मिलने लगता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, भजन करने बैठो तो उसके पहले नहीं। इसलिए बड़े प्रेम से, बस कल ही की बात है, वैसे भी 7 दिन के बाद चले जाएंगे, तो प्रेम से कम सुन लीजिए। और भागवत में लिखा है भागवत की कथा जो श्रवण लाभ प्राप्त करे वो केवल भक्त और रसिक।